मैं समर सिंह, आप सभी लोग जुड़ जाएं तब बात करूंगा। मन इतना दुखी है कि मैं कोई कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज हमने जिनको खोया है वो कोई छोटा इंसान नहीं था, वो कोई छोटे इंसान नहीं थे। जिन्होंने हमको, छोड़ दीजिए, हम तो बहुत छोटे कलाकार हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए, मतलब भोजपुरी के बड़े बड़े लोगों के लिए उन्होंने दिया है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ दी है। और सब कुछ देने के बाद भी आज वो इंसान एक बेड नहीं मिल पाया हॉस्पिटल में। एक बेड नहीं मिल पाया हमारे बड़े भैया गीतकार, अब तो नहीं है, महादेव उनको अपने शरण में रखें। एक बेड नहीं मिल पाया गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। 2 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पते रहे, बेड नहीं मिल पाया। और हमारे भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हमारे भोजपुरी के लोग बहुत बड़े नेता लोग हैं, सिर्फ नेता कहने के लिए हैं, बड़े बड़े पदों पे भी हैं, लेकिन उस इंसान की आज जान चली गई, जिस इंसान ने हमारे जैसे कितने बच्चों को भोजपुरी में खड़ा किया। समर सिंह तो कुछ भी नहीं है, उन लोगों को खड़ा किया है जिनका, उनका एक एक गाना लोगों को स्टार बनाया है, बड़ा स्टार बनाया है। जैसे हमको पता चला है, हम भी फोन सब जगह लगाए हैं और सारी जानकारी लिए हैं, मेडिकल कॉलेज में सब जानकारी, वहाँ पे भी जितने लोग गए थे, हम बाहर के थोड़ी हैं, हम गोरखपुर से दूर थोड़ी हैं, हम आजमगढ़ के, तो हमारा गोरखपुर नहीं है। आज वो इंसान 2 घंटे तक पूरा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस में थे, न उनको एक बेड मिला, न उनको ऑक्सीजन मिली कि अंदर उनकी भर्ती हो, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। बड़े बड़े लोगों के पास फोन गया, सब लोग बोल रहे हैं कि मैं ये किया वो किया, नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। सारा डिटेल, सारा कुछ नॉलेज है, हम भी फोन पे लगे हुए थे सभी लोगों से, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ कहने के लिए लोग हैं कि नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में यही आया कि डॉक्टर जो वहाँ मेडिकल कॉलेज के या मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, वो भी चेक करके नहीं बताया कि नहीं, वो भी नहीं आया उस मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल हॉस्पिटल का कंपाउंडर आके चेक करके बताया कि ये मर गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है उस इंसान के लिए, जिस इंसान ने भोजपुरी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। कई लोग स्टार भी हैं, कई लोग बीजेपी के आला कमान में भी हैं, क्या कह सकते हैं इसको। कि 2 घंटे से एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, एक बेड नहीं मिल पाया,
क्या कह सकते हैं आप लोग बताइए। जब वो इंसान इतना सब कुछ करने के बाद भी, देने के बाद भी, वो इंसान बेड के लिए तरस गया और कुछ नहीं हो पाया, तो हम आप आम जनता तो बहुत छोटी चीज है। विक्की भैया भी वहां पे गए थे, उन्होंने लाख कोशिश किया तब भी नहीं कुछ हुआ। तोड़ फोड़ मचाए हैं तो कोई एक कंपाउंडर आया है और चेक करके बता दिया है कि ये जिंदा नहीं है। वाह, डॉक्टर भी चेक करने नहीं आ पा रहा है। बारे सिस्टम रोज अपडेट आएगा कि फलाना विकास, फलाना ये हो गया, फलाना वो हो गया, ऐसे हो गया। आप लोग सिर्फ प्रचार के लिए बने हुए हैं, प्रचार करिए। किसी की जान जा रही है, कोई मर रहा है, उससे थोड़ी किसी को फर्क है। किसको फर्क पड़ता है? श्याम भैया तो पॉजिटिव थे ही थे, उससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है कि भाभी भी पॉजिटिव है, वो बच्चा भी पॉजिटिव है। महादेव उनकी रक्षा करें, मार्कंडेय महादेव उनकी रक्षा करें। वो इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना मानते थे, हमेशा ये करो, ऐसे करो बाबू, ऐसे करो, हमेशा सभी लोगों के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी लोगों के लिए वो करते थे। और आज इतना सब कुछ होते हुए भी वो इंसान एम्बुलेंस में ही तड़प के मर गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा कलंक कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक हो गया, बहुत बड़ा कलंक, क्योंकि हम भोजपुरी में हैं और उस इंसान ने भोजपुरी को सींचा है, कहीं ना कहीं से उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब उस इतने बड़े इंसान जिन्होंने सींचा, जिन्होंने किया, उनका ये हश्र कर सकते हैं आप लोग, तो आम जनता की तो बातें छोड़ दीजिए। जो खाने कमाने वाले हैं, रोज कमाने वाले, खाने वाले हैं, उनका क्या होगा? आप लोगों ने तो हद पार कर दिया है। एकदम से गिरा दिया। एक साल पहले ये स्थिति थी, चुनाव सब स्थगित कर दिए होते, सब कर दिए, चुनाव 2 साल बाद होता तब भी आप ही हो जाते, सब कुछ हो जाते, लेकिन कम से कम सिस्टम तो अच्छा हो जाता, सारा कुछ सिस्टम। मुझे राजनीति नहीं करना, न मैं राजनीति करता हूँ। सबके साथ काम करता हूँ, सबके साथ रहता हूँ, सबके साथ, लेकिन आज मैं इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, शब्द नहीं मेरे पास। जिस इंसान को मैंने खोया है, आज हमारी भोजपुरी ने के लोगों ने खोया है, वो हीरा थे, और हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ देना, प्यार देना, ये करना वो करना, ये करो ऐसे करो ऐसे करो। अभी भी बहुत सारे काम उनके पेंडिंग पड़े हुए थे, उनका दिया हुआ गाना अभी भी पड़ा हुआ है।
हम लोग कुछ काम नहीं आ सके उनके कुछ भी। कहने के लिए फलाने मंत्री हुए, फलाने विधायक हुए, फलाने सांसद हुए, फलाने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुए, फलाने ये कार्यकारिणी में हुए, कौने कार्यकारिणी में हुए हम जानना चाहते हैं। एक ठे बेड ना दिया पौने 2 घंटा 3 घंटा तक बेड ना मिल पुले। कंपाउंडर आए के बता देता, डॉक्टरों ना चेक करे था, कंपाउंडर आए के बता देता कि फलाने अब ना हूँ मर गई ना। बाहर सिस्टम और आज हर एक इंसान भोजपुरी का दर्द में है, हर एक इंसान दर्द में है। क्योंकि श्याम भैया ऐसे थे, जैसा नाम था श्याम तो श्याम ही थे वो। आज उनके खोने का मतलब हर इंसान को दर्द है। इतना दर्द है कि मतलब कि उस इंसान को एक बेड तक नहीं मिल पाया, एक हॉस्पिटल में बेड नहीं है। किस नाम के हैं लोग, आप लोग सांसद विधायक मंत्री किस नाम के हैं? अब तो वो चले गए, लेकिन ऐसे कितने लोग जाएंगे? वही अकेले थोड़ी, बहुत लोग जाएंगे। ऐसे बहुत लोग जाएंगे क्योंकि लोगों को कुर्सी प्यारी है, एक बेड तो दे नहीं पाए। बहुत सारा अभी सुबह तक फलाने ये क्यों बोल दिए, फलाने वो क्यों बोल दिए, फलाने ये पोस्ट क्यों डाल दिए, दुनिया भर का आएगा। लेकिन जो इंसान चला गया उस इंसान को वापस कर देंगे क्या? आप लोग कर सकते हैं? आज तो सारी हदें पार हो गई। ऊपर से फला पता नहीं कौन कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हमने बिक्की भैया से भी बात किया, हमने सबसे बात किया, सारी जानकारी ली। जब लास्ट में कंपाउंडर आके बोला, उसके बाद बात हुई तो ये हुआ कि नहीं, 2 घंटा मतलब थोड़ा मोड़ा होता है, 2 घंटा, 2 घंटा बहुत होता है। कहीं भी एडजस्ट करके ऑक्सीजन लग जाती तो शायद वो बच जाते, लेकिन कोई केयर करने वाला ही नहीं है।
चापलूसी का भी हद है साला। क्यों चापलूसी करते हो, क्यों चापलूसी करते हो? फलाने भैया ये कर देना, फलाने भैया वो करत हूँ, फलाने भैया ये करत हूँ, फलाने कौन भैया कही ना बतावा, आज ये कौन भैया कही ना बतावा, कौनो भैया खड़ा भई ना का, कौनो भैया दिया देना का एक ठे बेड, कौनो भैया हॉस्पिटल में भर्ती करा देना का, कितना भैया हूँ बतावा। मुआ दला लोगन आज श्याम भैया गई ना, कल हम जाए, परसों क्यों और जाए, ऐसे ही सब चल जाए, यह दशा रही सब चल जाए। महादेव श्याम भैया के अपने चरण में रखें, आत्मा के शांति मिले उनके, और सब लोग महादेव से निवेदन करी कि महादेव से प्रार्थना करी कि भाभी भी पॉजिटिव हैं, बच्चा भी पॉजिटिव हो, तो दोनों लोग जल्दी स्वस्थ हो जाए, करे रहे अच्छा रहे, उससे ज़्यादा क्या बोल सकते। लेकिन आज जौन भी भैल बहुत गलत भैल, बहुत ज़्यादा गलत, वो गलत का मतलब कोनो सीमा ना, कि 2 घंटा तक बाहर मेडिकल कॉलेज के बाहर, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस में इंसान तड़पा था और एक बेड ना मिल पावा था। ये सबसे शर्मनाक, बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक।